वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा कल कुछ बातें बताई थी, फिर भी आया है कि आजकल लोग माटी को ही लेकर इधर साबुन का हाथ धोते हैं, माटी से साबुन का हाथ धो, साबुन मिट्टी नहीं लगा लेगा। देखो साबुन से सफाई आती है, शुद्धि नहीं होती। एक सफाई होती है, एक शुद्धि होती है। मिट्टी से जितना हाथ साफ होता है उतना उसे नहीं होता। साबुन तेल से बनता है, उसमें चिकनास रहती है, चिकनास से वो साफ नहीं होता। खुश्की होने से मट्टी से खेती से हाथ साफ होते। शौच जाए तो भी मिट्टी काम में लेनी चाहिए, उसे शुद्धि होती है। सफाई तो हो जाएगी पर शुद्धि नहीं होगी। कहते हैं इसे हाथ गंदा होता है, हम लोग का नाला गंदा होता है तो क्या बात है। सुंदरी के बाद नाला गंदा नहीं होता है। यहाँ के जो कलकत्ते के नाले हैं गंदगी होती, कहीं कहीं वो गमला होते हैं उसमें जो ऐसी नाली होती है वो गंदी हो सकती है।
हाथ धोने का कमरा उसमें, तो किसी का नाला जो बड़े नाले में जावे उसमें धोना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा नाला है उसमें आदमी चले जाते हैं और ठीक कर देते हैं, उसमें मिट्टी जमती नहीं है उसको निकाल जाते हैं, उसमें इतना नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसे होते हैं जो गमले होते हैं जिसमें हाथ धो दो कुछ साबुन धो दो, मन सोच जाना रहा धोना ये मिट्टी से धोना चाहिए। नारायण नारायण जगत हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन के क्या बात है, शंकर सुवन और केसरी नंदन और बात जाती ना बताया हनुमान जी महाराज को शंकर सुवन भी कहा है और वायु पुत्र भी कहा है और केसरी नंदन भी कहा है, क्या बात है। तो हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं, इस वास्ते शंकर सुवन हुए और वायु के द्वारा पैदा हुए इस वायु पुत्र हैं, और केसरी की केसरी बंदर की स्त्री थी अंजना, उससे पैदा होने से केसरी बंदर है, केसरी बंदर ये ठीक है और शंकर सुवन ये ठीक है। और वायु के बाद बात याद है मानो वायु से पैदा हो गए, दोनों तीनों बात अच्छी है। अब पूछते हैं भाई हमारे बड़े पुरुष मना करते, बहनों माताओं का कोई प्रश्न है, कहते सास ससुर जेठ आदि बड़े पूजनीय आदरणीय वे सत्संग जाने में मना करते हैं, तो सत्संग जाने में मना करते हैं तो उनको खुद को आना चाहिए साथ में कि भाई आप पधारो सत्संग में, आप देखो दो चार दस दिन आप देखो, फिर आपकी मर्जी हो तो हमारी छुट्टी करने को मत दो, एक बात। दूसरी बात, घर का काम धंधा न करके सत्संग का और माला का बहाना करके जो काम धंधे मैंने गलती करते वो नहीं करने चाहिए, अपनी ड्यूटी का काम कर देना चाहिए, सत्संग के समय होने वाले काम को पहले निपटा कर करना चाहिए। आपका कोई काम नहीं है इस समय छुट्टी चाहते हैं, आप छुट्टी दें। तीसरी बात, आप कहना तो नहीं करें, मर्जी आवाज़ नहीं करें, सत्संग भी मना करें तो सत्संग में मना नहीं होना चाहिए, परंतु एक बात बड़ी विचित्र है, हरेक जगह जाने का जो बहनों का स्वभाव होता है वो नहीं रहना चाहिए, मर्यादा से चलना चाहिए, मर्यादा के सत्संग में जाना चाहिए, हरेक जगह आप जाओ ये सुविधा नहीं है। बहुत जगह जाने में निषेध करते हैं, परंतु श्री शेर जी का सत्संग है इसी देश में, उसमें बहन बेटियों को बहुओं को भेजने में लोग इसके साथ नहीं करते, वहाँ उनका एक कोई प्रभाव है जिससे काम ठीक होता है, ऐसे मर्यादित सत्संग में कोई बाधा नहीं है, परंतु घर वालों को राजी जरूर देनी चाहिए कि तो बात तो यही तो प्रश्न है हमारा, राजी कहेंगे तो नाराण ऐसे राजी है, तो दूसरा काम उनके मन के मुताबिक करो और सत्संग ठीक हो तो उनको साथ में ला दिखाओ, सत्संग के बहाने इधर उधर भटकना ठीक नहीं है, लाकर दिखाओ और सत्संग उनको कराओ। एक बात पुरानी याद आ गई, बहुत पुरानी बात है, 2000 से काफी पहले की बात, मैं यहाँ रहता था 8-7 महीने कलकत्ते में रहता था, तो घरों में भिक्षा करने को जाता तो कई घरों में भिक्षा लेकर एक कमरे में बैठकर पा लेता था, उन दिनों की बात है। तो उन दिनों में कुछ रात्रि में माहेश्वरी भवन में सत्संग होने लगा, लोगों ने सबने कहा कि यहाँ गोविंद भवन में तो बहन माताएं आती नहीं, माहेश्वरी भवन में रात्रि सत्संग कर दिया जाए, उन सज्जनों की प्रेरणा से वहां प्रबंध किया गया रात्रि में। ये भाई बहन के आ गए, उस बात पूछने लगे, बात पूछने लगे तो भाइयों ने
मेरे से प्रश्न किया कि देखो ये हमारी स्त्रियां है आपके सत्संग में जाती है तो क्या रात्रि में स्त्रियों को और जगह जाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये तो आपकी सत्संग में जाती है, जाती है तो आपको जाना चाहिए साथ में, अकेले स्त्रियों क्यों भेजते हो? आप साथ में जाओ कि नहीं, ये तो मोटर लेके ड्राइवर लेके चली जाती है, तो ये तो मर्यादा नहीं है, रात्रि में इसलिए चले जाना मर्यादा नहीं है। वे आदमी सुधारक थे, आजकल की प्रथा को लेकर चलने वाले, नई रोशनी गई, तो मैंने उनको बातें कही तो आपको साथ जाना चाहिए, तो वे पुरुष बोले कि हम जाते हैं वहां पर, इनको कह साथ ले जाऊं कि हमारे साथ जाती ही नहीं, तो हम भी इनके साथ नहीं जाते। मैंने कहा देखो तुम क्यों नहीं जाती भाई? कि महाराज वो रहस्य में ले जाओ वहां पर, पुरुषों के पास में धक्का दे जाए, मेरे पास पुरुष बैठे बीच में बैठे हैं, ऐसे हम नहीं जाती, सत्संग में जाती है, वे ले जाना चाहते हैं वहां खेल तमाशा सिनेमा वहां नहीं जाती। तो मैंने बात कही देखो भाई एक बात आपको सुनाता हूं आप ध्यान से सुनो। उनको मैंने सुनाया कि देखो आप स्वयं अधिकार मानते हो कि स्त्रियों का बरोबर अधिकार है, जितना पुरुषों को अधिकार है उतना ही बरोबर स्त्रियों का अधिकार होना चाहिए। बात ऐसी बिल्कुल लोग कहते हैं पति को नमस्कार करो, पति को नमस्कार कैसे करें, हमारे बरोबर के हैं वो बड़े सोरे ही हैं, हम तो सब एक समान हैं, ऐसा नहीं करते। तुम समान अधिकार मानते हो तो फिर स्त्रियों को मना करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को आप ही का तो स्वतंत्रता देनी चाहिए, अगर आप स्वयं मना करते हो तो अपने हत्या करते हो, अपने खुद सिद्धांत की हत्या करते हो, नहीं करना चाहिए। ऐसे मैंने वो कहा, फिर मैंने एक बात कही, कहा बहनों मेरी बात वैसे आचरण मतलब है, एक बात कहता हूँ आप मुझे करना नहीं तो बात कहता हूँ। तो मैंने कहा कि देखो जब पति ये मानते हैं कि स्त्रियां स्वतंत्र है तो आप अकेली किसी पुरुष के साथ कमरे में चली जाओ, अकेली कमर बंद कर लो, इसमें भी इनको कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को स्वतंत्रता है। तो मैं ऐसे कैसे हो, देखो हम बताओ आपके सिद्धांत से भी ये उचित है और हमारे सिद्धांत से भी ये उचित है, ये खुशियां जैसे करे खुशियां जिस पुरुष के साथ रहे जहां जाए, क्योंकि जब आपने कह दिया कि ये स्वतंत्र है स्त्रियां तो स्वतंत्र रहनी चाहिए, कोरे कहने से क्या हो, आश्रम में लाओ। इस वास्ते ये किसी पुरुष को लेकर के दरवाजा बंद करे तो भी आपको कहना हक नहीं, अधिकार स्वतंत्रता दी है आपने, फिर मना क्यों करते हो? ये तुम्हारे सिद्धांत से ठीक है, हमारे सिद्धांत से ठीक है, कि तुम्हारे सिद्धांत से कैसे ठीक है वो सुन लो। ये बात हमारे यहाँ शास्त्र में आता है कि कन्या हुए तब तो माता पिता पिता के अधीन रहना चाहिए और उनका धर्म पालन करना चाहिए, और जब विवाह हो जाए जो पति का धर्म है वही धर्म वो पत्नी का हो, उनको अलग श्रेष्ठ बनाना शैली बनना जाना कोई जरूरत नहीं है, जो अपने पति देव है उनके साथ ही जाना चाहिए, उनके गुरु है वो ही अपने गुरु हो गए, दोनों मिलकर के एक ही होते हो, स्वतंत्र स्त्रियों को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं, और उनके सिद्धांत अनुसार चलना चाहिए, उनके सिद्धांत ही मानना चाहिए। तो आपका जब सिद्धांत है कि स्त्रियां स्वतंत्र है तो हमारी दृष्टि से भी स्त्रियों को पति का धर्म मानना चाहिए, तो तुम स्वतंत्र बताते हो तो हमारे सिद्धांत से भी ये स्वतंत्र है, क्योंकि स्त्री को पति की बात पति का सिद्धांत मानना चाहिए, या तुम मानते हो स्वतंत्र तो आपकी स्वतंत्रता काम में है, हमारे धर्म से भी ठीक है और आपके धर्म से भी ठीक है, आपको मना करने का अधिकार नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि बहनों मेरा कहना मत करना,
जैसे मैं वैसा करना मत, मैं इनको सुधार बताता हूँ कि आपको मना करने का क्या अधिकार है। किसी धर्म से किसी सिद्धांत से भी आपको मना करने का अधिकार नहीं है। प्रेम पूर्व बात करो। दूसरी बात ये आपको कि सत्संग में चलो तो आप वो कौन सा खोटा काम कहते हैं सत्संग में चलो, और मैं तो आप कहता हूँ कि सत्संग में जाए तो आपको साथ में जाना चाहिए, खास घर का आदमी हो साथ में जाना चाहिए, उनके साथ में सत्संग में जाओ। कहते हैं ग्रह में जाओ सिनेमा में ऐसे साथ पर पुरुषों के साथ बैठा करना ये अच्छा नहीं है, इनका ये स्त्रियों का कहना अच्छा है, तो बुरा नहीं लगता। क्योंकि आप स्वतंत्रता कहते हो तो स्वतंत्रता हमारे सिद्धांत से तुम्हारे सिद्धांत से दोनों से ये ठीक है कि किसी के साथ जाओ कभी जाओ, पर तो मर्यादा में आए हो कभी मैं कुछ तेज हो गया। आप जो आज नए नए सिद्धांत पालन करते हो ठीक नहीं है, ऋषि मुनियों की जो मर्यादा है उसके अनुसार चलना आपका ठीक होगा। अभी आपको ठीक दिखता है परंतु आज भी आप प्रश्न कर रहे हो कि आप सत्संग में जाते हैं तो आप बताओ क्या करना चाहिए। ये तो मामूली बात है, बड़ी बड़ी बातें होगी तो मुश्किल हो जाएगी, आपको पालन करना आपसे मुश्किल हो जाएगा, स्त्रियों की उत्सृंखल हो जाएगी, फिर आपकी बात मानेगी नहीं। ऐसी बात मैंने कहीं देखी है। जोधपुर में एक सज्जन थे विजय सिंह जी, उन्होंने एक बात बताई कि हमारे यहाँ परिवार में मैं पर्दा रहता है राजपूत हो गई, तो उन पर्दे में एक भाई रह गए हम पर्दा नहीं मानते, ऐसा अगर कर दिया खुशियाओं से लेकर ऐसी स्वतंत्र रहे, तो वो साथ में ले गया, साथ में ले गया जिसमें वो खेल में ले गया, तो वो भी साथ में ले गया, वो जान करके पर्दे से उठा कर नहीं चलो हमारे साथ में ले गए। तो वहां खेल हो रहा था तो स्त्रियां और पुरुष खेल हो रहे थे, उस खेल का क्या नाम है मेरे को याद नहीं है भाई, अभी ऐसा खेल है जिसमें स्त्रियां मिल करके आपस में यूं भी मिलती है यूं मिलती है आपस में करती है, किसी पुरुष के साथ कोई स्त्री ऐसे खेलती है, तो ऐसे वो खेलने लगी, पति ले गया खुद से महाराज किसी हो गया व्यसन, वैसे जाने लगी किसी, वो कहते मेरी स्त्रियां मानती नहीं पर पुरुषों के साथ यही मिलती है। क्या भाई जी ने नाम सुनाया, क्या ग्रहण कटिक ग्रहण हो गया है, नाम है उसका, ऐसे साथ में स्त्रियां पुरुष परिस्थितियां पुरुष आपस में मिले हुए क्या कहते हैं खेल याद नहीं है हमें, ऐसा खेल होता है। उस खेल में मैं देखा तो यह तो कटिक ग्रहण होता है, आप उसे मिलकर के इस तरह से आलिंगन करते हैं, फिर वो उसकी मानी नहीं, पति का कहना भी मानी नहीं, उसंकल हो गई तो वो रोने लगे भी अब क्या करूं मेरे स्त्री कहना मानती नहीं, तो पहले आप ऐसा करते हो फिर मानती नहीं, ऐसे ही आप स्वतंत्रता की बात कहते हो और ये उसंकल हो जाएगी तो फिर ये मानेगी नहीं, फिर आप ही रोओगे। तो मैंने पहले ही बहनों से कह दिया कि मैं कहता हूँ वापस करना मत, ऐसे करना नहीं, परंतु ये सिद्धांत कहते हैं कैसे, तुम्हारे सिद्धांत हमारे दोनों सिद्धांत से ठीक है। इस बात से भाई मना करते हैं भाई तो उनको सोचना चाहिए ये कहाँ जाती है कैसे जाती है, निगर नहीं चाहिए। पहले तो कुमारी में तो पति है अपने पिता है उनके अधीन रहे, ब्याह होने पर पति के अधीन रहे, बड़ा लड़का हो जाए विधवा हो जाए तो लड़के के अधीन रहे, स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, अपनी मर्जी से घूमना नहीं चाहिए, ये हमारा सिद्धांत हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है, उनके साथ रहना चाहिए, पुत्र के साथ रहे। घर में तो माता 100 गुना अधिक है पिता से, उसका माता दोनों का आग्रह मां तो दोनों बात कहते हो तो माता की बात माननी चाहिए, विशेष राशि माँ का आदर विशेष करना चाहिए, परंतु बाहर जाना हो तो स्त्रियों को कहीं नहीं जानी चाहिए, वहाँ पुरुषों के साथ में जाए, जैसे माता पिता पिता हो बड़ा भाई हो अथवा बड़ा लड़का जवान लड़का हो तो उनके साथ में जाइए, बाहर जाना स्त्रियों के लिए उचित नहीं है अकेले, ऐसे मर्यादा है हमारे शास्त्र की, उस मर्यादा के अनुसार चलो, आग्रह नहीं स्वतंत्रता है प्रसन्नता है, इस बात में मत फंसो मर्यादा के अनुसार चलो। इसी तरह से ये सत्संग की बात है, उसमें अगर जावे तो आप देखो सत्संग कैसा है, कौन बोलता है, कैसा ढंग है, क्या रिवाज है, इसका अध्ययन करो आप,
और स्वयं जाओ सत्संग में, जाने तो आप सत्संग में आप लग जाएगी सत्संग। बीकानेर की एक बात है, एक लड़का जवान, वो माँ का बड़ा भक्त था, तो सत्संग में ले जाता, माँ को पहुंचा देता और फिर चला आता। सत्संग उठने का समय होता तो वो जाता माँ के सामने लगाकर माँ को अपने साथ में लाता था। ऐसी घटना घटी तो एक दिन माँ ने कह दिया कि बेटा थोड़ी देर तू ही बैठ जा। बैठ गया तो माँ का भक्त साथ बैठ गया, सत्संग किया। तो महाराज माँ नहीं जावे तो वो तो लड़का सत्संग में आता ही था। हमारे सत्संग की बात है, बीकानेर की बीती हुई। सत्संग में पता नहीं लगा क्या क्या बातें चलती है। बिना सत्संग सुने ऐसे ही मना करना, भाई लोगों से कहना कि आपको कुछ इतना ही, आपको निगरानी रखनी चाहिए जरूरी। सीओ रक्षा विशेषता, सीओ की रक्षा विशेषता से करना चाहिए। ये हमारी मातृशक्ति है, कोमल हृदय है इनका, क्योंकि बच्चों का पालन करना है। इस वास्ते बचपन से ही इनका हृदय कोमल होता है। छोटे भाई और बहन को जितनी बड़ी बहन प्यार से गोदी में रखती है, प्यार पालन करती है, इतना बड़ा भाई होता है छोटे भाई बहन का इतना प्यार नहीं करता, इतना वो रखता भी नहीं। पर लड़कियों रखती है, क्योंकि लड़कियों में ये शक्ति है पालन पोषण करने की, भगवान ने दी है ये मातृशक्ति है। सरलता इनमें विशेष होती है, इस वास्ते इनकी रक्षा विशेष करनी चाहिए, अधिक करनी चाहिए, परंतु अच्छे कामों में जाने में रुकावट नहीं देनी चाहिए। जहाँ शिक्षा मिलती है, जहाँ अपने धर्म की रक्षा होती है, सिद्धांत की बढ़िया बातें होती है, वहाँ सी जाती है तो आपको जाना चाहिए। जैसे मैंने उस लड़के की बात कही तो माँ नहीं आती थी, वो तो सत्संग में आता ही, और माँ के साथ जाता सत्संग करता, साथ माँ को लेकर के आता। तो सत्संग करने से पता लगता है क्या है, जिस मिठाई को हमने नहीं चखा है उसको स्वाद को हम क्या जाने, जिन फलों को हमने चखा नहीं उन फलों का पता नहीं। ऐसे सत्संग अच्छा जिन्होंने नहीं किया है वे क्या पहचाने, क्या जाने सत्संग क्या होता है। तो आपको 5-10 दिन 15 दिन सत्संग करके देखना चाहिए, फिर विधान करना चाहिए, जबरदस्ती स्त्रियों पर मत करो, ये करना अच्छा नहीं है। परंतु स्त्रियों की रक्षा करना ये आपका काम है। विधवा बहना हो उनकी भी रक्षा करो, स्त्रियों की रक्षा करो सब तरह से, पास में रहो। बड़ी बड़ी लड़कियों के लिए मैं तो माताओं को कहता हूँ कि आप साथ में रहकर रखो इनको, अकेली मत छोड़ो। इसी के इसमें काम पड़ा तो एक स्त्री वो जवान थी, तो उसने कहा कि मैं रह जाऊँ, माँ जाओ यहाँ नहीं रहना चाहिए, माँ के साथ में रहो, सदा माँ के साथ रहो। माताओं को कहता हूँ बड़ी लड़कियों को रहना चाहिए, और हमारी बड़ी बूढ़ी बड़ी माता है वे आज भी ये रक्षा करती है। मैं कहाँ जाऊँ महाराज, मेरे लड़की बड़ी बड़ी हो गई, अब मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, सगे संबंधियों में भी कैसे जाऊँ, इस वास्ते मैं तो रक्षा करती हूँ, माँ के बेटी के पास रहता हूँ। काली आजादी भेजने के लिए भी मैं नहीं करता, अकेली कन्याओं को जो बड़ी अवस्था हो गई है उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए। भेजने बड़े बड़े आनंद हुए उनकी बातें मैंने सुनी है, तो इस बात मैं कभी ऐसा नहीं करता कि स्त्रियों को स्वतंत्र जाना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। परंतु सत्संग में जावे तो उसमें ख्याल रखो, आप साथ में जाओ, निगाह रखो। और बहनों से कहना है कि सब बातें सास ससुर की मानो, पर सत्संग भजन ध्यान में उनकी न मानो कोई हर्ज नहीं है। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महताजी, बलि गुरु तजो, कंत विद्वचन बंसरी और वैष्णव मंगलकारी, कोषाम तुलसीदासी महाराज के और मीनाबाई के आपस में पत्र व्यवहार हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा कि महाराज मैं क्या हूँ, तुलसीदास जी को आप पिता माता के समान हो, आपसे हम सलाह लेंगे क्या करें। घर वाले भजन ध्यान से मना करते हैं, सत्संग से मना करते हैं, तो हम क्या करें। तो गोस्वामी महाराज ने ये पद लिखा था, पिता तो जो प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया और विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, बड़े भाई का त्याग कर दिया,
और भरती ने माँ का जो जन्म देने वाली माँ उसका त्याग कर दिया, बलि गुरु से जो बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, और कंस ब्रजवंश ने और ब्रजवंशाओं ने कंस का त्याग किया, सब मंगलकारी हुए। तात्पर्य क्या है? पिता से जो प्रहलाद कहते पिता की बात नहीं माने, आप थोड़ा ध्यान देकर सुने और इसे याद करें, औरों को भी कहें पिता का त्याग किया और किस विषय में किया? भगवान नाम लेने के विषय में, भगवान उपासना के विषय में पिता कहना नहीं माना। नहीं तो पिता ने ऐसा हुक्म दिया, अपनी कयादु स्त्री को कहा कि तू तेरे बेटे को जहर दे दे, तो कयादु भी पतिव्रता थी और पिता भी पितृभक्त थे, तो जहर का प्याला हाथ में ले लिया। जो प्रहलाद जी कहते हैं कि माँ ये मेरे को पिला दे, तेरा तो पतिव्रत धर्म रहेगा, मेरे पिता की आज्ञा पालन रहेगी, पिला दे। अब माँ के द्वारा जहर देना कोई मामूली बात नहीं है, माँ का हृदय कैसा दयालु, कितना कृपालु, कितना स्नेह भया होता है। तो प्रहलाद जी ने वो पी लिया। तो किस विषय में? भजन ध्यान करने में, भगवान की तरफ जाने में मना करे तो इन्होंने मना किया, नहीं तो पिता से भगवान प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि प्रहलाद वर्धमान वरदान मांगो, तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे कोई इच्छा नहीं है महाराज, कोई कुछ मांगने की, बड़े निष्काम भक्त हुए हैं प्रहलाद जी महाराज। फिर कहा कि मेरी राजी के लिए कुछ तो मांगो, तब कहा कि महाराज आपकी जो प्रसन्नता को दे दीजिए, मेरे को मांगने की इच्छा नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात। तब प्रहलाद बोले कि महाराज एक बात है, मैं मांगता हूँ आपसे वरदान, मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, कितनी कितनी भक्ति है बताओ। वो भजन ध्यान के मना करे और पिता के कल्याण के लिए वरदान मांगे। भगवान ने कहा भैया तुम जिस वंश में पैदा होता है हुआ है, ऐसे वंश का उद्धार हो जाए जो भगवान का भक्त होता है। नृत्यंति पितरा, पितर लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं, और वे देवता लोग हर्ष मनाते हैं। और सनाता चेयम भूर भवती, ये पृथ्वी सनात होती है, मद भक्ते वैष्णव हो जाता स नष्ट जाता भविष्य। पितृलोग भी आनंद मनाते हैं कि हमारे वंश में भक्त पैदा हुआ, हमारी हमारा रक्षण करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। तो पुत्र से बेटा तेरे तो वंश का उद्धार हो गया, 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, तुम वरदान क्या मांगता है? तेरा प्रहलाद है, तेरा प्रहलाद तेरा पिता है, ये पूजनीय है, आदरणीय है, इसकी चिंता नहीं। तो भगवान के भक्ति की निषेध की बात नहीं मानी और पितृ आज्ञा कैसी पालन करी, जहर पी लिया और पिता के लिए वरदान मांगा कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए, कोई मांगने की इच्छा नहीं। ऐसे पर भी प्रहलाद जी ने पिता के वरदान मांगा कि मेरा पिता कल्याण हो जाए। तो इसने पिता पितृ भक्त थे, इस वजह से आप भी पिता के भक्त, पिता है उनके भक्त बनो। माँ थी केकई माँ, बड़ी श्रेष्ठ महाराज प्रहलाद या भगवान राम जी जहाँ अवतार लेते हैं वहाँ केकई माँ है, जो बहुत विलक्षण थी। महाराज दशरथ जी सलाह लिया करते, इतनी बुद्धिमती थी केकई। एक बार की बात है, जनक जी महाराज ने समाचार भेजा दशरथ जी को कि देखो मेरे को कुछ जमीन दे दो, उस जमीन में मैं आकर ठहरूं, मेरी पुत्री से मिलना हो तो मैं आकर ठहरूं, तो बेटी के घर में बेटी जमीन में कैसे आऊं, कुआ भी मैं बना लूं, जमीन हमारे को बोल दे दो कुछ। वो कहते आपकी है, आप आओ, मैंने कैसे आऊं, हमारी सीता की जमीन है, मेरे को दे दो। अंत में ज्यादा आगे किया तो केकई से पूछा दशरथ जी ने कि हम क्या करें, इनके मूल्य लेकर देवे ये भी ठीक नहीं और बिना मूल्य वे लेते नहीं, और कभी पुत्री से मिलने के लिए आओ तो कहाँ ठहरे, कहाँ पानी पिए, क्या करना चाहिए। तो केकई जी ने एक बड़ा मोती दिया, मणि दी बहुत कीमती, और कहा कि ऐसी 100 मणियां दो आपको जमीन देंगे, तो ना तो इतनी सौ मणि मिलेगी ना देनी पड़ेगी, और आप उचल ले जाए ले लो।
तो केकी से मणि लेकर के वो दशरथ जी ने भेजी जनक जी महाराज की, अरे 100 मणि लाओ आपको जमीन देंगे। तो जनक जी महाराज बड़े उदासीन हो गए, अब क्या करें, ऐसी मणि कहाँ है, तो बड़ी दुर्लभ मणि है, ऐसी तो मणि हमारे राज्य में नहीं है, ऐसी मणि कहाँ, 100 मणि दो ऐसी। तो उदासीन हो गए, तो सीता जी बैठी थी कि पिताजी आज उदासीन क्यों, कहते बेटा हम क्या करें, हमने मांगी भी ऐसी जमीन हमारे को मिल जाए तो हम आवे ठहरे, ऐसी बात है। परंतु कहते ऐसी 100 मणि लाओ तब आप दे सकते हैं। तब कहाँ से लाए, कि पिताजी चिंता क्या करते हो, अपने तो हम कबूल से वहाँ खानी है, कई मणियां निकलती है वहाँ खान है। सीता जी ने बता दी वहां से पड़े बहुत मणियां उसमें, तो गाड़े जुटा दी, कई गाड़े भर भर गाड़ा भेजा अयोध्या भेज दिए, और ले एक मणि आप गए तो 100 मणि ने एक गाड़ा भर भर कई गाड़ा भेज दिया। तो मैं भेज दिया, तो अब दशरथ जी क्या कहे, भाई इतनी मणि भेज दी हमने तो बिताई की देनी पड़ेगी नहीं, परंतु अब तो जमीन देनी ही पड़ेगी। तो उस एक जगह वो मणियों को रखी, वो मणि पर्वत है आज भी, उसका नाम मणि पर्वत है। मणिया नहीं है तो पत्थरों का ही छोटा सा पहाड़ी है, मणि पर्वत कहलाता है वो, मोहल्ला का नाम मणि पर्वत है। तो वो महाराजा जनक के दिया। तो आज जब आखा तीज होती है, श्रावण का महीना होता है, तो कन्याएं अपने पिता के घर जाती है, वहाँ झूला झूलती है। तो वहाँ आज भी अयोध्या में वो मणि पर्वत के पास में जितने ठाकुर जी के वहाँ सीता जी है वे सब वहाँ आती है, और बहुत अच्छी वृक्षावली है, उसमें झूला लगता है और सब सीता वो झूलती है। हमारे पिता का घर है ये पिताजी का घर है हमारे, ऐसे किसी घर में वो मानते हैं, आज भी वो बात चलती है, उसको मणि पर्वत कहते हैं। तो ऐसे के गई बहुत बढ़िया सलाह देने वाली थी। वो राम जी को वनवास भेजा तो राम जी का काम करने के लिए भेजा, राम जी वनवास में जाएंगे तो राक्षसों को मारेंगे, काम सिद्ध होगा, अगर यही बैठे रहेंगे तो कैसे कार्य सिद्ध होगा। जो परित्राणा साधु विनाशा दुष्कृता उसका श्रृंगार करने के लिए अवतार हुआ है। तो कहीं ऐसी कहीं तो ऐसी बात मैंने सुनी, राम जी ने कहा मैं यह क्या करूं, तो कहीं ने कहा कि बेटा मैं भेज दूंगी तुम्हारे को वनवास, मैं भेज दूंगी, तुम चिंता मत कर, माँ का काम माँ करे काम बच्चा का, तो मैं भेज दूंगी। तो उन्होंने भेजा वहां पर, और भेजा तो क्या कि 14 वर्ष कहा राम वनवासी, तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो 14 वर्ष क्यों, अगर पुत्र के राज्य के लिए भेजती तो सदा के लिए वनवास में रहे, सदा मेरा भरत राज्य करे, ऐसा मानती ऐसा नहीं मांगा। और वो केके जानती थी जिसमें कौशल्या माँ गए तो वहाँ वनवास में गए हैं मिलने के लिए, तो वहाँ चित्रकूट में वो ही भरत कर सोच, कौशल्या ने कहा है मेरे भरत का सोच, उसी चिंता है ये राम जी बिना रह नहीं सकेगा, राम जी के बिना बड़े दुखी रहेगा, और मेरे कोई बात नहीं है। राम जी ने कहा कि मैं ऐसा करूँ, भरत जी ने कहा कि मैं जन्म भर वनवास में रह सकता हूँ, आप पधारो अयोध्या में। राम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा कि महाराज पिताजी ने चीज दी मेरे को तो राज्य दिया, आपको वनवास दिया, तो पिताजी की दी हुई चीज को बालक अपने में बांट ले, वो उसको दे दे वो उसको दे दे, तो कोई हर्ज नहीं है। इस वास्ते अपने बंटवारा पैसा ले लो, आप तो बैठो राजगद्दी पर और मैं कहूँ वनवास में। भरत जी ने कहा आपको दिया मैं ले लू, मेरा दिया आप ले लो, ये बात नहीं होगी, ये अपने दी हुई चीज नहीं है, ये तो विशेषता ने उन्होंने कह दिया कि 14 वर्ष राम वनवासी कैकेयी ने मांग लिया, महाराज दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। तो इस वास्ते ये भरत भैया बंटवारा नहीं होता है, इसलिए वनवास में रहे। तो फिर वहां कहा कि मैं किस आधार पर रहूं, तो वहां पावड़ी देने की ये ले जाओ शरण पादुका है, इसका सेवन करो। महाराज 14 वर्ष बीतने के बाद अगर आप नहीं आए तो महाराज मैं जीता नहीं होऊंगा, मर जाऊंगा। इस वास्ते भी आए तो उत्तरकांड में अवधि कर एक दिवस कर अवधि अधारा, एक दिन बाकी रह गया है और अभी तक राम जी आए नहीं,
कभी अवधि आए नहीं, तो एक दिन तो है बाकी कि एक दिन में मैंने घुड़सवार कर रखे बहुत दूर तक वहां रहो और एक एक घोड़ा दौड़ करके उस घोड़े को ऐसे कह दे जिसने हमारे अयोध्या में समाचार मिल जाए कि वहाँ राम जी आ गए हैं और वनवास में आए नहीं अभी तक, उस यंग अयोध्या पहुंचने में कितनी देर लगेगी, दूर दूर तक राम जी आए नहीं है, तो अब क्या करूं। समझ लेते ही मन दुख भय हुआ, पारा बड़ा दुख हुआ कि कारण कौन राम नहीं आए, जान कुटिल मोहि प्रभु बिसराए, आह धन्य लक्ष्मण पर भागी, जो राम चरण अनुराग राम जी के साथ में गया, मेरे को कुछ भी समझा इस बात में साथ नहीं लिया, ऐसे विचार करते थे और वहां तक नहीं आया तो एक दिन में कैसे पहुंच जाएंगे। अब राम जी आए पुष्प विमान पर, विमान पर आते हुए क्या देरी लगती है, तो वो आ गए तो वहां तो आए नहीं, इस बात चिंता होगी, तो इतना चिंता की एक दिन तो है ही, एक दिन में आ जाएंगे, एक दिन में कैसे आ जाए, मैं दूर दूर से आदमियों को भेजा कि अगर राम जी आते हो वो समाचार दो जल्दी, तो बहुत दूर तक नहीं आए, एक दिन कैसे पहुंचे, इस बात से चिंता होगी उनको। और राम जी आए तो केकई माता ने राम जी को दुख नहीं दिया है, केकई ने भी ऐसी बात कही है कि भरत भर प्रेम बहुत है, राम जी का बड़ा स्नेह है, कौशल्या के भी कितना स्नेह है, भरत पर मोहि भरत रोज भरत को डांट देती है, ऐसा नहीं कि मेरे राम को वनवास भेज दिया तो ना तो राम जी के साथ पेश किया ना केकई के साथ किया कि देखो ये सौती दास है मेरे बेटे को वनवास दे दिया, ऐसा उनके मन में भी नहीं आया। और भरत जी महाराज ने तो बुरा माना कि तू माँ कैसी है जो बेटे को जंगल में निकाल दे, वो माँ होती है कभी, तो माँ रहने लायक नहीं है। तो मैंने पद सुना है उसमें कहा है कि जब तक केकई जीती रही तब तक भरत ने माँ नहीं कहा, राम जो माँ कहते थे, अगर वनवास में आए तो पहले माँ केकई के महल में गए, उनके चरणों में पड़े, फिर अपने महल में कौशल्या माँ के पास गए, पहले केकई के पास माँ के महल में गए। तो राम जी केकई माता का आदर कौशल्या से अधिक करते थे, एक बहुत विचित्र बात है वे करते थे, लेकिन नहीं क्या है, पतिव्रता होती है वो आप खुद कष्ट सह लेती है, मन पति के कष्ट को नहीं सह सकती, मन रामायण में किसी रामायण में मैंने ऐसा नहीं देखा कि सीता माता ने भरत पर क्रोध किया हो। ये जब गए हैं वनवास में भरत जी मिलने के लिए तो राम जी के पगाव पड़े और सीता जी के शरणों की रेती सेंकी अपने पर अपने सिर पर रखी, ऐसे हो तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद दिया प्रसन्न देगा, तब उनके मन की चिंता मिट गई भरत जी के। भरत जी के मन में था कि राम जी को बुरा नहीं मानेंगे, मन माता सीता क्या पता कैसे मानेगी, वो नाराज हो जाएगी, पर उसने बड़े प्रेम से भरत जी को आशीर्वाद दिया। कहीं भी सीता जी ने नहीं कहा कि मेरे पति को वनवास दे दिया, भरत जी राजी नहीं हुए, राम जी भी नाराज नहीं हुए। कोई बात नहीं, हमारी माँ है केकई, माँ के बच्चों पर पूरा अधिकार है, हमारे पर अधिकार है, सब पर अधिकार है, तो वे सभी अपने अधिकार मानते थे उसका, तो इस तरह का बर्ताव हो तो रामायण के अनुसार अपना कृष्ण बने तो बड़ी फायदे की बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, जैसे राम जी रहते हैं, राम जी ने शत्रु के साथ बर्ताव किया उसमें अनियोन अनुभव की नंद रामो, राम जी ने बैरी का भी अनुबल नहीं किया, ऐसा बर्ताव किया, और अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया है, भाइयों को सोच करके फिर आप करे, जब पीछे आए राजगद्दी होने लगी तो अपने भरत की जटा सुर जाकर के राम जी ने पहले भरत को दबाया, फिर अब तीनों भाइयों को नहाया, पीछे आप स्नान करते हैं, बड़े है ना, बड़े घर यही चाहिए, उससे वनवास हुआ है उस समय में जाकर खबर सुनाई कि महाराज आज संयम करो, कल आपको राजगद्दी होने वाली है। तो वहाँ राम जी कहते हैं जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए घर का ही, संग संग सब भय उठाऊ,
एक दशम विवाह भी साथ साथ हुआ, साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे, कर्ण वेद कान पीता गया साथ में, दिन सीधे उड़ी तो साथ में, और पढ़ाई करी तो हम साथ में गए, और विवाह साथ में हुआ, चारों भाइयों के एक ही साथ में, सब उस साथ में हुए। पर विमल वंश कर अनुचित एक, हमारे वंश बड़ा शुद्ध है, विमल है, रघुवंश है, पर इस एक रिवाज बड़ी खराब है। राम जी कहते हैं क्या कि अनुज आज बड़े ही अभिषेक को छोटे भाई छोड़ कर और एक को राजगति दी जाए, ये रिवाज अच्छा नहीं है। राम जी ये कहते हैं प्रभु पश्चान विशेष सुहाई बड़ी सुहावनी है, अरे भगत मन की कुटिलाई, ऐसा उनका भाव है। तो कितना विचित्र भाव है राम जी का, कितना भाव है सीता जी का। सीता जी पतिव्रता है, परंतु भरत को इतना कभी नहीं कहा, भरत पर बड़ा स्नेह है, जैसे प्यारा पुत्र हो, इस तरह से अपने देवरों के साथ में बात करती है। पधारे तो वहां पर गांव की स्त्रियां इकट्ठी होती है, तो उस एक को देख करके वे एक कहती है हम कुमार नहीं है, हम बात पूछते हैं, आप राजकुमारी नाराज मत होना, आप भी कौन से हैं? तो वहां परिचय दिया है, ये जो गौर शरीर वाले है ना, ये राम, ये नाम लखन लघु देवर मोरे, ये छोटे देवर है। छोटे देवर कहने का तात्पर्य देवरी कह देती कि बड़ा देवर से हमारा भरतनाल है, छोटा देवर ये हमारे साथ में है। तो इतना माता जी के हृदय में बड़ा स्नेह है, सीता जी के हृदय में भरत जी के प्रति बहुत स्नेह, बड़ा प्रेम है, अपने पुत्र की तरह ही मानते देवराओं को, ऐसे उनका पालन करते हैं, और देवर सब माँ के समान ही समझते हैं, सीता जी को माँ के समान, माँ के समान आदर करते हैं। आजकल के स्वर माँ को भी इतना आदर नहीं करते जितना अपनी भौजाई का भाभी का आदर करते थे। ऐसे परिवार होना चाहिए, तो ग्रस्तों के लिए रामायण है, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। राज तिल की गेंद बढ़ाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, राम जी ने राज दिया नहीं, भरत पाए प्राण प्रिय पावे राजू। भरतजी महाराज बनवास जाते हुए कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, प्राण प्यारा भरत है वो राज्य पाएगा, और मोरेगा तो सब तरह से डूबे। वनवास में आनंद है, मुनिजन मिलन विशेष भन, सभी भांति हित मोर, तिन मह पुज आयो और बहुत जननी सम्मी तो शत्रु तरह बड़ी हुई बनवा से भेज रही है। उस वक्त में राम जी बात केके से कहते हैं कि मुनि जन मिलन विशेष बन, अस यहाँ पर मुनि ऋषि थोड़ी आए कि जंगल में रहने वाले, तो जंगल में जाओगे तो मुनि जन मिलन विशेष बन, सभी भाग हित मोर, तिन मह पितु आयो सो, यानी कह के तू भेज रही है सभी का, पिता की आज्ञा हुई, पर सम्मत जननी तो माँ आपकी भी सम्मति है, यानी कोसो भी सब किया हुआ कह के ही जाए। पर राम जी ऐसा नहीं कहते, ऐसा कह दो फिर मेरा स्नेह जागृत होगा और मेरे को दुख देगा तो देखेगी माँ कि हमारा राम लगा मेरे घर से दुख पाया। तो राम जी पहले से ऐसी बात कहते है कह के को दुख नहीं हो भविष्य में भी। तो कहते है विशेष बन सभी बात हित मोर, दिन में पितु आयु मोर, और सम्मत जननी और के मैया आपकी भी सम्मति है इसमें, ऐसे कहते। और कहा सभी भात सब भरत में ठीक है, भरत प्राण पी पावे राजू, विधि सब विधि मोर सन्मुख आजू, और प्राण पिया भरत है राज पावे। अपने को राज मिले तो कहा कि हमारे विमल वंश में ये अनुचित चीज है, छोटों को छोड़कर बड़े को राज दिया जाए, परंतु तो वनवास में जाते हुए राम जी ने नहीं कहा कि मेरे साथ अनुचित बर्ताव हो रहा है, बड़े राजी हुए भरत का राज हो जाए। ऐसी बात वनवास में बाली को मारा है, तो उस समय बाली ने कहा कि मेरे क्यों मारा, कारण कवर नाथ मुझे मारा। उस वक्त ने कहा तो वहां पर राम जी ने कहा है कि भरत के राज्य में तू अन्याय करता है, उनका हम लोग शासन करते हैं। तो राम जी उस शासन अयोध्या पर तो करते हैं भरत जी, और जंगल में भरत जी के आ गया, भरत जी के राज्य में अन्याय करता है तू, तुम्हारा राक्ष राक्षसों को मारना दुआ करना, भरत के राज्य के जंगल में रक्षा करते हैं। तो राम जी वो नौकर की तरह
और बस राजा है महाराजा भर। एक दिन ऐसे चलते हुए सुबह के समय स्नान करने को जा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पंचवटी की बात है, तो स्नान करने को जा रहे है। लखननाथ देखो भैया ऐसी ठंडी बात है, हमारा भर तो वहाँ सरजू भी स्नान करता है, नंदीग्राम में रहता है, ऐसी ठंडी स्नान करता है वो तो कितना ज्यादा लगता होगा। ऐसे राम जी वहाँ करते है। भरत जी ने एक दिन लक्ष्मण जी ने भी कह दिया कि के देंगे क्या हाथ लगा, स्वयं विधवा हुई आग बोल बोल कैसे था भरत से काम करो, मैं मध्यमा माता गरीब कविया करना चाहना, मेरी बिज की माँ है के की माँ, उसकी कभी दंडावत करना सस्ती एक साधु नाथ से भरत से कथा गुरु एक सुख लगे जो महाराजा भरत है राजा साहब उनकी बात कोई करो भैया, उनकी हमारी माँ की ऐसी बात मत कहो, इसलिए का भाव उनका है। तो ये भाइयों को बहनों को इस कुटुम्ब की बात सुननी चाहिए जिसमें हम कैसा बर्ताव करें, जैसे राम जी और सीता जी ने बर्ताव किया, कौशल्या माँ ने किया, सुमित्रा जी ने किया, ऐसा बर्ताव आप लोग करो तो आपका कुटुम्ब कितना राजी होगा, कैसे आप उसमें स्नेह होगा, ऐसे आप करो। हमने तो पुस्तक भी लिखा है कि उसमें कैसे रहे, उनमें बातें कई बताई है ऐसी, आप लोग सोचे तो पढ़ भी सकते हो ले भी सकते हो। नारायण आए कहाँ पे हुआ से मारा घी दिखाते हैं तो क्या करना बात बदल कैसे याद होता, कितना स्नेह है, कैसी बात है, कई कई बनवास भेज दिए, कौशल्या भी नहीं कहा कहीं क्या बनवास भेज दिया मेरे बेटे को, क्यों बनवास भेज दिया, ऐसा नहीं करते स्नेह वैसे आप उनका स्नेह के ऐसा विचार करते हैं तो भी, और के मन में भी दुर्भाव जी है, राम जी के चरित्र में ही सहायक हुई, राम जी का काम ठीक हो जाए कलंक मेरे पर आ जाए तो मैं ले लूंगी, पर राम दादा का काम ठीक हो बेटा राम दादा ठीक रहे आनंद रहे, ऐसा भाव है माता के का। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्री कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।